नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, निफ्टी के बारे में। दोस्तों निफ्टी की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट 24,000 हमारे लिए आ गया, जिसकी उम्मीदें हम लोग करते थे, बट ये नहीं सोचा था इतनी जल्दी आ जाएगा। इलेक्शंस के बाद आप सभी ने जिस दिन रिजल्ट आया एक शार्प डिप देखी, 22,000 का लेवल भी आपने स्क्रीन पे आते हुए देखा। आई थिंक 21,200 के समथिंग आ गया था निफ्टी पे, तो काफ़ी बड़ी एक डिप आई थी वो आप सभी के सामने हम लोगों ने देखी। एग्जैक्टली मैं अगर काउंट करने की कोशिश करूँ तो 21,200 के समथिंग का हम लोगों ने लो लगाया था उस दिन। वहाँ से अगर आप काउंट करें तो ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट्स हम लोग रैली कर गए। अब यहाँ से कितनी और तेजी है ये सोचते तो हैं, लेकिन सोचते ही हम लोगों को डर भी लगता है कि यार बाजार बहुत भाग गया है, थोड़ा सा करेक्शन आ सकती है, वेट करना चाहिए, इस तरीके के दिमाग में थॉट्स आते हैं। लेकिन इन ब्रोकरेज हाउसेस का क्या करें, ये तो ऊपर से ऊपर के टारगेट दे रहे हैं। जी हाँ, अभी तक सब 24,000 की बात करते थे, लेकिन अब बात हो रही है 25,000 की। जी हाँ दोस्तों, ICICI डायरेक्ट की निफ्टी पर एक रिपोर्ट आई है जो कह रहे हैं कि निफ्टी 25,000 नहीं, 25,200 हो जाएगा। कब तक? इसी साल दोस्तों, इसी साल। इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या क्या है, चलिए समझते हैं एक एक करके सारी चीजों को। साल के अंत तक निफ्टी के लिए 25,200 का लक्ष्य दिया है इन्होंने। 2030 तक, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, 2030 तक अगर आपको लग रहा है कि यार 24,000 पे महंगा है निफ्टी, तो 2030 तक ये कह रहे हैं कि निफ्टी 50,000 हो जाएगा। यहां से डबल, 6 साल में डबल दोस्तों, डबल, जो कि मुझे लगता है इजिली हो सकता है, हो इसलिए सकता है क्योंकि आप 14% की कैगर से तो जा ही रहे हो वैसे ही, वो अपने आप में ही आपको डेफिनेटली 5 से 6 साल में डबल करके देगा, तो ये टारगेट तो अचीवेबल है। 2030 तक निफ्टी छू लेगा 50,000 का स्तर। आपको याद दिला दूं, 2020 में सेंसेक्स का भाव 44,000 था, 40,000 था, यानी कि ये जो 10 साल का कार्यकाल है इसमें पूरी तरीके से आउट परफॉर्म है। जिसने तब निवेश कराया मैं उनसे ये कहूँगा कि अभी भी मत बेचो, आपका समय है, बहुत अच्छे भाव पे खरीदा है, बहुत ऊपर जा सकता है। दूसरी बात, जो अभी लेने जा रहा है और सोच रहा है देर हो गई है, मैं यही कहूँगा थोड़ा बहुत लगा के पैसा बचा के रखो। डेफिनेटली जितना डर आपको लग रहा है उतना हमें भी लगता है, वीडियो बनाते समय लगता है कि एक करेक्शन चाहिए, डीप चाहिए, बट करेक्शन इतनी शार्प आती है कोई सोच विचार नहीं कर पाता है, यूं आती है और यूं चली जाती है ऊपर, फिर वही कि ले लेते तो सही था, और उस दिन जो गिर रहा होता है बाजार हिम्मत नहीं होती है। तो ये सारी कहानी रही है अभी तक के तो बाजार की कोविड के बाद से। चुनाव, अब इन्होंने ना एक डेटा दिया है, वो डेटा क्या है वो समझिए। चुनाव के निचले स्तरों से अब तक अच्छी तेजी का ट्रेंड रहा है। 1999 से लेकर अब तक निचले स्तर से औसतन 20% की रैली आती है चुनाव के बाद। 1990 के बाद, चुनाव के बाद 20% रैली करता है बाजार। पिछले 9 चुनावी साल में यूएस के बाजार में औसतन 9% की तेजी, और आपको भी पता है इस बार यूएस के भी इलेक्शन है, तो 9 चुनावी साल में यानी कि जिस साल चुनाव होते हैं 9% रैली करता है आपका यूएस मार्केट, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ रही है सामने। 2008 को छोड़ दिया जाए अगर, तो यूएस के चुनावी साल में निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस रहती है, निफ्टी आउट परफॉर्म करता है, यूएस खुद 9% जा रहा है ऊपर और निफ्टी उसे आउट परफॉर्म करता है जिस साल उनके इलेक्शंस होते हैं, और इस साल उनके भी इलेक्शन है आपको बता दूं। यूएस के चुनावी साल में निफ्टी 20% तक की तेजी दिखाती है। अब आप सोच लो कि यहां से कितनी पोटेंशियल और है। पिछले 2 दशक में चुनावी साल के अंत तक औसतन 21% की तेजी रहती है। तो दोस्तों ये तो बहुत ही ज्यादा दमदार रिपोर्ट है, जहां पे ये इलेक्शंस की चीजों को कंपेयर करके आए हैं कि भैया इलेक्शंस वाले ईयर में इतनी तेजी अमेरिका में रहती है, इतनी तेजी निफ्टी में रहती है, और उसको देखते हुए इनके टारगेट्स काफी अच्छे आ रहे हैं, और ये 2030 तक, अब बड़ा देखो विजन लंबा करो तो 2030 तक ये 50,000 की बात कर रहे हैं, इस साल के अंत तक ये 25,200 की बात कर रहे हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक चीज तो समझ में आ ही सकती है, निफ्टी का ETF, निफ्टी के ETF में आराम से पैसा लगा के बैठी जाओ और चिल मारो, मजे लो, काम करो, काम पे फोकस करो, और ये अपने आप पैसा बढ़ाता रहेगा आपका। अब आपको लग रहा हो कि भैया कम रिटर्न है, तो 6 साल होते हैं 2030-2024 से, 2024 आधा तो चला गया, तो 5.5 मान लो, 5.5 साल में पैसा डबल सेफ्टी के साथ,
और क्या चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक परफेक्ट बेट हो सकती है, बट इतना जरूर कहूंगा 100 रुपए हैं तो 40 रुपए बचा लेना। डिप बीच बीच में आ रही है, उस डिप वाले दिन 10 रुपए लगाया करो, जिस दिन डिप आएगी 10 रुपए लगा दूंगा, ये सोच के आप निवेश करो बाजार में। तो ये मेरी तरफ से एक शॉर्ट सिंपल अपडेटेड वीडियो थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।